ढाई 3 लाख रुपए फीस देने के बाद में स्टूडेंट की कब्र उसकी कोचिंग में हो रही है, कितने शर्म की बात है। देश के युवाओं के लिए हर एक समस्याओं के लिए, खासकर युवा से रिलेटेड जो एग्जाम्स के पेपर्स लीक्स हो जाते हैं, सेंटर पर जाओ जाते पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, एग्जाम देकर आ रहे हो अभी रास्ते में घर पर भी नहीं पहुंचे, वो पेपर लीक हो, सोच के रूह कांप जाती है कि उन बच्चों जो 3 बच्चे पानी में डूबे होंगे, लास्ट के 10 सेकंड कह लो, 20 सेकंड या 1 मिनट 2 मिनट कैसा रहा होगा उनके, कैसा महसूस हुआ होगा, ये सोच कर रूह कांप जाती है। गलत है ये जो कुछ भी हो रहा है, गलत तो बहुत ज़्यादा गलत। ठीक है, मेरे ऊपर कितना पुलिस का तुम डंडा भजवाओगे, डिटेन करवाओगे, गालियाँ दिलाओगे, हम सब सहेंगे इस देश की युवाओं के लिए। मैं तो जान नछौर करने के लिए आगे आ गया हूँ, भूख हड़ताल करूँगा, वो भी बता रहा हूँ कैसे। 7 दिनों तक खाना पीना छोड़ दूंगा, खाना छोड़ दूंगा, उसके 7वें दिन के अगले दिन अगर मैं हमारी बातें नहीं मानेंगे तो पानी पीना भी छोड़ दूंगा। अगर मैं हम लोगों ने जिस दिन घटना घटी ORN में, ओल्ड राजेंद्र नगर में, उसी रात को हम लोग पहुंचे नहीं होते, वहां बैठे नहीं होते, तो शायद CBI को केस नहीं दिया गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले 10-12 दिनों से ORN में स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है, साथ साथ इधर मुखर्जी नगर और देश के अलग अलग सिटी में भी इस प्रोटेस्ट में जितने भी UPSC एस्पिरेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, सारे इसमें योगदान कर रहा है, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके वजह से लाखों एस्पिरेंट्स का भविष्य बर्बाद हो रहा है, स्टडी में भी फ़र्क पड़ रहा है, स्टडी भी नहीं हो रही है। और इसी मुद्दे को लेकर कल यानी कि 9 तारीख को जंतर मंतर में भी प्रोटेस्ट होने जा रहा है, एकदम बहुत ही बड़े लेवल पे, नेशनल वाइज। तो यहाँ पर विक्रम जी है हमारे साथ, जो पहले से ही इस लड़ाई में स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के हित के लिए आवाज़ उठाते रहे, और कल प्रोटेस्ट है और इसके बाद भूख हड़ताल में भी ये लोग बैठने वाले हैं। तो विक्रम जी, ये बताइए, अभी जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है कल 9 तारीख को, तो ये किस लेवल पे हो रहा है और किस लिए, ये मुद्दा क्या है इसका? ये राष्ट्रीय लेवल का प्रोटेस्ट है। हाँ, देश के कोने कोने से लोग आएंगे, देश के कोने कोने के जो मुद्दे हैं, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे स्कैम हो, कोई भी एग्जाम। इसका मतलब यह है, ये सिर्फ UPSC एस्पिरेंट के लिए नहीं है, UPSC वालों के लिए भी है। ये बहुत पहले शेड्यूल कर दिया गया था कि हम लोग इसको बड़े लेवल पर 9 तारीख करेंगे, आपको पहले पिछली बार भी बताया था मैंने। हंगर स्ट्राइक के लिए हम लोगों ने प्लान किया था, कई बार कोशिश किया गया कई लोगों से, बट ब्यूरोक्रेसी है हर जगह, हम भूखे चाह रहे हैं कि भूखे रहकर गांधी के तरीके से अहिंसावादी से अपनी बातें रखें, उसके लिए भी मुझे परमिशन लेना। देखिए, कई बार मैंने मैसेज दिया चीज़ें, आपने ये पहले भी मेंशन की थी कि भूख हड़ताल में बैठना है, जब फ्रॉड IAS IPS के बारे में हमने वीडियो बनाए थे उस टाइम भी आपने मेंशन किया। सीरियसली कहते ना, आई रियली लव इंडियन ब्यूरोक्रेसी सो मच, दे विल वेट फॉर प्रोटेस्ट टू कूल डाउन एंड एंगेज यू इन लीगल हर्डल, दिस इज रियली ब्यूटीफुल, और लाइफ शुड बी ग्रेट रैदर दैन लॉन्ग। गुड यार, ठीक है, अच्छी बात है, बट हमने जो कहा है कि हंगर स्ट्राइक पर देश के युवाओं के लिए, हर एक समस्याओं के लिए, खासकर युवा से रिलेटेड जो एग्जाम्स के पेपर्स लीक्स हो जाते हैं, सेंटर पर जाओ जाते पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, एग्जाम देकर आ रहे हो अभी रास्ते में घर पर भी नहीं पहुंचे, वो पेपर लीक हो गया। पेपर लीक्स का मुद्दा तो बहुत बड़ा है, वो चाहे नीट वाले बच्चा को, नेट JRF वाला को, UGC CSR का हो, UP पुलिस रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट है, इसमें भी हाई कट ऑफ है, लोग कह रहे हैं इसमें भी धांधली हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े लेवल पर हर जगह स्कैम्स हैं, इस स्कैम्स के लिए ही महा प्रोटेस्ट है, महा आंदोलन टाइप का, बहुत बड़े लेवल पर, जंतर मंतर पर, ये ऑलरेडी बहुत पहले शेड्यूल किया गया था, हर लोग इसमें भागीदार होंगे। आपको क्या लगता है, सारे स्टूडेंट्स को इंसाफ मिलेगा? देखिए, लोकतंत्र में लोग अपने अधिकारों की बातें करते हैं, कर्तव्यों को भूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों से, सभी से गुजारिश है मेरा कि आर्टिकल 51 ये जो ड्यूटीज़ की बात होती है, हर जगह इस बात को क्यों मेंशन करता हूँ, कई लोगों को लगता होगा कि सिर्फ यही रट के आया है क्या, अरे रट के नहीं है, मुझे सारे आर्टिकल्स याद हैं, सारे सेक्शंस याद हैं, ठीक ना, मैंने लॉ भी किया है, बीच में छोड़ दिया था क्योंकि UPSC का मेंस आ गया था। तो कहीं ना कहीं हर एक सिटीजन को, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, पढ़ा हो ना पढ़ा हो, जब हम लोग यहाँ स्लम्स के बच्चों की क्लासेस चलवाते थे अम्बेडकर पार्क में, तो बच्चों को लिखने भी नहीं आता था, कभी वो स्कूल नहीं गए थे क्योंकि वो कूड़े चुनते थे, कोई शराब में लिप्त था, कोई नशे में, कोई अलग अलग चीज़ों में, छोटे छोटे उम्र में होटलों में काम करते थे। जब उनको हम लोग बैठाते थे तो एक चीज़ सिखाते थे कि तुम इस देश में जन्म लिए हो तो सबसे पहले तुमको अपने मौलिक कर्तव्य का पता होना चाहिए, फिर तुम्हारे राइट्स क्या हैं उसका पता होना चाहिए, फिर तुमको ये राष्ट्रगान पता होना चाहिए। तो एक्चुअली क्या है ना कि हमारा मैसेज, देखो, किताबी कीड़ा से उठकर थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि लोग अपने राइट्स, ड्यूटीज, अकाउंटेबिलिटी को लेकर अवेयर हों, जब तक नहीं होंगे तब तक वो जो बोलते हैं ना कि लोकतंत्र,
में जो आज तक आज सेंध लग रही है वो बचेगी नहीं। तो कहते हैं लोग कि प्रोटेस्ट करने से, धरने देने से, भूख हड़ताल से होता क्या है? अरे ये होता है, गूंगे बहरे तक लोगों तक सुनाई देती है, आप अपनी बातें वहाँ तक पहुँचाते हो, और इससे क्या होता है कि न चाहते हुए भी दबाव बनती है और सुधार होता है। अगर मैं हम लोगों ने जिस दिन घटना घटी वारन में, ओल्ड राजेंद्र नगर में, उसी रात को हम लोग पहुँचे नहीं होते, वहाँ बैठे नहीं होते, तो शायद CBI को केस नहीं दिया गया होता। उसी के साथ साथ जो मुखर्जी नगर में भंडारी बिल्डिंग में आग लगी थी, फिर गर्ल्स PG में लगी थी, और भी कई घटनाएं थी, सबको CBI के जांच के लिए एक साथ दिया गया। तो काश आज मीडिया ने इतना अच्छा से कवर नहीं किया होता, आप लोगों ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने नहीं किया होता, लोगों तक बातें नहीं पहुंची होती। लोगों ने देखे होंगे मेरा भी वीडियो शॉर्ट काट काट कर TVN भारत वाला और आप लोगों वाला भारत खूब ट्विटर पर एक सैंडल पर हर जगह लगाया। इससे होता क्या है, लोग अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं, जब जागरूक होते हैं तो सरकारों पर दबाव बनती है, जब दबाव बनती है तो फिर पेपर लीक नहीं होगा, UPSC में बड़े लेवल स्कैम नहीं होगा, फिर वो भी अलर्ट होंगे कि भाई लोग जग गए हैं, जागरूक हो गए हैं। ठीक है, मेरे ऊपर कितना पुलिस का तुम डंडा बजवाओगे, डिटेन करवाओगे, गालियां दिलवाओगे, हम सब सहेंगे इस देश के युवाओं के लिए। मैं तो जान नछौर करने के लिए आगे आ गया हूँ, भूख हड़ताल करूँगा, वो भी बता रहा हूँ कैसे, 7 दिनों तक खाना पीना छोड़ दूंगा, खाना छोड़ दूंगा, उसके 7वें दिन के अगले दिन अगर हमारी बातें नहीं मानेंगे तो पानी पीना भी छोड़ दूंगा, खाना पानी सब, मतलब सब कुछ छोड़ देंगे। हाँ, हमारी मुद्दे क्या है, नहीं रहेंगे, क्या करेंगे, जब यही लोग चाहते हैं ऐसा ही हो तो क्या करा जाए। आखिर में हमने आवाज़ उठा उठा कर, आर्टिकल लिख लिख कर, आपके मीडिया के माध्यम से बोल बोल कर, और हर चीज़ कर करके थक गए। लास्ट गांधी जी के रास्ते अहिंसावादी, वही रास्ते से चलना है। और आपको पता होगा कि आज जो एक डायलेमा है ना, कहीं ना कहीं सारा युवा लोग क्या, लगभग सभी की बात नहीं करूँगा, लोग जगे हैं, आ रहे हैं तभी बेटर, लेकिन मोस्टली लोग से हमारा क्या है, हमारा थोड़ा ना, हमारा भाई थोड़ा मारा गया, हमारी बहन थोड़ा मारी गई, या बहुत लोगों को ये मैसेज मतलब माइंड में ही रहता है। देखिए ये सर हैं, इनकी डॉक्टर भी यहाँ तैयारी कर रही हैं ओल्ड राजेंद्र नगर से ही, तो अब उनको लगता है कि हमारे बच्चे थोड़ा मारे गए, हमारा भाई बहन थोड़ा मारा गया, या हमारे साथ थोड़ा कुछ ऐसे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा। अरे यार, आज तुमको लग रहा है कि अगले के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे तो तुम्हारे लिए कौन उठाएगा आवाज़, और हो सकता है कि भगवान न करे कल तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जाए, होता ही है। सही बात। अभी अंकिल जी हैं हमारे साथ, आप कहाँ से आए? बरेली से हैं, UP से। आप इतने दूर से बरेली से आए हैं स्टूडेंट्स का साथ देने के लिए प्रोटेस्ट? जी जी, हाँ, मेरी बेटी यहाँ पर, बहुत बड़ी बात है, बता रहे हैं डॉक्टर मेरी यहाँ पर तैयारी कर रही है, बेटी इस बार प्रेजेंट? जी जी जी, इस बार भी है। तो आप इसलिए आए कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा सपोर्ट मिले पेरेंट्स की तरफ से? ही देखा, मैंने कहा कि यह कितनी बड़ी घटना हो गई, जहाँ 2.5-3 लाख रुपए फीस देने के बाद में स्टूडेंट की कब्र उसकी कोचिंग में हो रही है, कितने शर्म की बात है देखा जाए। तो मैंने कहा वहाँ जाएंगे, और मैं ORN में भी कई दिन से, 3-4 दिन से हूँ, 3-4 दिन हो चुके हैं मेरे लिए, मैं साथ में हूँ प्रोटेस्ट करने वालों के साथ में। तो आपको जब इस घटना का पता चला, क्योंकि आपकी बेटी भी यहाँ पर तैयारी कर रही थी, तो कैसा लगा, तब आपकी क्या फीलिंग थी उस टाइम? वो फीलिंग ऐसी हुई, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, ऐसा लगा, कमाल बात है कि ये सोच के रूह कांप जाती है कि उन बच्चों, जो 3 बच्चे पानी में डूबे होंगे, लास्ट के 10 सेकेंड कह लो, 20 सेकेंड, या 1 मिनट 2 मिनट कैसा रहा होगा उनके, कैसा महसूस हुआ होगा, ये सोच कर रूह कांप जाती है। गलत है ये, जो कुछ भी हो रहा है गलत, तो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है ये बात है। तो इसमें आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, कोचिंग वाले? जिम्मेदार इसमें कोचिंग भी है, और MCD भी है, दिल्ली गवर्नमेंट भी है, सभी कुछ तीनों ही है बराबर के, मतलब भागीदार हैं। अब जब घटना हो गई तब तो MCD आ गई, बड़े बड़े पाइप लेके गाड़ियां आ गई कि नाली साफ करें, इससे पहले वो लोग कहाँ थे? इंतजार करते हैं, इससे पहले भी तो कर सकते थे, ये है। तो स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, अभी कोचिंग लाइब्रेरी सब कुछ बंद है, एक्सपीरियंस इसमें प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं, तो जो पढ़ाई में तो अभी प्रभाव पड़ रहा है ना? मैं तो ये कहना चाहूँगा, आजकल ऑनलाइन युग है, बच्चे अपने घर से जाके तैयारी करें, सब कुछ मतलब ऑनलाइन है, तो लैपटॉप पे सब कुछ है, अपने घर पे जाके आराम से घर का खाना खाएं, वहीं तैयारी करें, तब ये देखेंगे। जो सबसे ज़्यादा ये माफिया, तो जो यहाँ किराएदार जो हैं, ये मन मतलब ब्यूरोक्रेट भी लेंगे, 2-2 महीनों का
रेंट भी लेंगे। अभी एक स्टूडेंट आए थे ना, ये कह रहे थे सिक्योरिटी वापस नहीं कर रहा है। हाँ बोलो। बाद में क्या करते हैं, पंखा खराब हो गया, ये खराब हो गया, टोटी तोड़ दी, ये तोड़ दी, सिक्योरिटी वापस करने में क्या करोगे, FIR करोगे, क्या करोगे? स्टूडेंट का यही तो काम है नहीं, जो FIR भी करोगे पुलिस तो सुनते नहीं। बस पुलिस तो मतलब उनके पास मतलब पैसा है उनकी सुनेगी। तो कुल मिला के मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये जो हुआ दुखद हुआ बहुत ज़्यादा, अब ऐसा ना हो अगले को, ये देखना चाहिए MCD को भी, दिल्ली गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, LG साहब को भी, ये सबको देखना चाहिए। आपकी तरफ से स्टूडेंट्स को क्या मैसेज होगा? स्टूडेंट को मैं मैसेज मेरी ओर से ये होगा, पहला तो ये है जहाँ क्लास में वो जाते हैं 500 बच्चे हैं एक में, वो ये देखें कि एग्जिट कितने हैं, एग्जिट 500 बच्चे एक उसमें बैठ रहे हैं हॉल में, अगर आग लग जाए कुछ भी हो जाए, रहेगी नहीं इमरजेंसी डोर। मैं तो कहता हूं अगर 500 बच्चे हैं तो कम से कम 20 होने चाहिए हम एग्जिट, और वो एक है और वो भी बायोमेट्रिक लगा रखा है उसमें भी, लाइट ना आने पे वो काम ही नहीं करेगा, तो फिर क्या फ़ायदा? अरे तुम्हें अपने स्टूडेंट पे इतना फेथ नहीं है कि हमारे स्टूडेंट ने पैसे दिए हैं बही आएंगे और कोई बाहरी नहीं आएगा? अरे वो बैठ जाए अंदर उसके बाद उन्हें चेक कर लो, अगर बंदे बैठ जाए अंदर फिर कर लो चेक, बाहरी थोड़ी कोई आ जाए। क्या तुम उन्हें चोर समझ रहे हो, अपने मतलब अपने स्टूडेंट को चोर समझ रहे हो, जो सबसे तो खिलाफ में बायो मतलब बायोमेट्रिक के हो, वो नहीं होना चाहिए, बायोमेट्रिक सिस्टम हट जानी चाहिए। बिल्कुल जान की वैल्यू है ही नहीं कुछ, अरे वो पूरी फीस दे रहा है उसके बावजूद चोर जैसा बर्ताव कर रहे हो, कार्ड लगा के अंदर जाएगा वो, ये मतलब बायोमेट्रिक तो मतलब हटना ही चाहिए। और एक उसमें मैं ये कहूँगा, तो आपको क्या लगता है जिस हिसाब से फीस पे करते हैं कोचिंग वाले, उस हिसाब से स्टूडेंट को सेफ्टी सिक्योरिटी फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही? नहीं मिल पा रही है, और खुद मतलब स्टूडेंट को देखना चाहिए, कोई और नहीं देखेगा। भाई आप मतलब UPSC की तैयारी करने आए हो, टॉप ब्यूरो के मतलब ब्यूरो के रेट्स में आप जाना चाह रहे हो, अपने हक के लिए ये नहीं पूछ पा रहे हो कोचिंग वाले से, भैया ये 500 बच्चे क्यों हैं, 200-150 मैक्सिमम 200 बच्चों से ज़्यादा एक हॉल में ना हो, और 200 बच्चे हों तो 20 एग्जिट हों, और बायोमेट्रिक ना हो, जीने भी चौड़े तो हैं ही खैर, मगर क्लास से बाहर आ जाएंगे तो उनके साथ ऐसा नहीं होगा, बस मैं यही कहना चाहूँगा। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अंकिल जी ने, बिल्कुल सही बात कही है, और अभी जो माहौल है बहुत ही स्टूडेंट्स के लिए दुखदायक माहौल है, और स्टूडेंट्स की पढ़ाई अभी हो नहीं पा रहा है, जितने भी UPSC एस्पिरेंट्स हैं प्रोटेस्ट करने में लगे हैं, और कल जंतर मंतर में भी प्रोटेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट करें, स्टूडेंट्स के साथ दें, क्योंकि ये चीज़ अभी किसी और के साथ हुआ है, क्या पता कल आपके साथ होगा, आपके छोटे भाई बहन के साथ होगा, है ना, जो भी तैयारी कर रहा है, तो इसके लिए आप लड़ें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।